आज है शादी और अभी हम रेडी हो रहे हैं, नॉट फॉर शादी पर कोई फंक्शन है उसके लिए। वैसे तो वो फंक्शन भी शायद ख़त्म हो गया होगा क्योंकि कल रात को हम सब 4 बजे सोए थे और आज 10:30 बजे उठे, तो बहुत लेट लेट हो गया। अभी 12 बजने वाले हैं एंड हमारा प्लान था कि हम 12 बजे कहीं बाहर जाएंगे। लेट्स सी कि हम बाहर जाते हैं कि वो प्लान कैंसिल हो जाता है। सो ये कहू दीदी है एंड इन्हीं की भाई की शादी है और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप खुश हो? हाँ, आपको कैसा लग रहा है आपकी भाई की शादी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। उस एंगेजमेंट में रोई भी थी? अरे भाई, इतनी नहीं दे रही है, टू मच। खुशी के आंसू थे। अच्छा बताओ अभी अंदर क्या चल रहा है? अभी चल रहा है चिकट जो हमारे में होता है, मुझे नहीं पता आप लोग के में क्या बोलते हैं। हाँ, हमें और अभी हल्दी उतर रही है, कल चढ़ी अभी थी। हल्दी उतर रही है, कल चढ़ी थी और तेल भी चढ़ाया ना। हाँ मतलब तेल भी चढ़ना है या चढ़ा है। बाय गाइस, क्या चल रही है? हाँ, तो लड़की को हल्दी लगी है और उसके बाद सारी बहनें जो होते हैं ना उनको नहलाते हैं, वो नहीं नहलाए। हाँ, तो वो बहन नहीं जाती और उसके लिए वो पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे दोगे तो नहलाएगा भी नहलाएंगे। अब वो नहा रहा है एक्चुअली। सारे फंक्शंस ओवर हो गए, अब सीधे बारात है और ये यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। इसके बाद हमें रेडी होने जाना है एंड हमारा बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, जैसे कि मुझे लगा था। अब कल जाएंगे, कैंसिल येट। इनको अभी भी होप है कि हम शायद बाहर जाएंगे, बट आई नो नहीं जा पाएंगे। एंड फाइनली हम बाहर जा रहे हैं, आई नो नहीं जाएंगे, पता नहीं कैसे ये पॉसिबल हुआ, बट अब हम बाहर जाएंगे। एंड हमें एक टाइम लिमिट दी गई है क्योंकि हमें 5 बजे के पहले पहुंचना है वापस और तैयार होना है। और यहाँ लड़ाई हो रही है, मेरी नहीं हो रही। 5 बजे तुझे क्या लगता है हम कितने बजे के पहले पहुंचेंगे? 5 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और मॉल में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एंड मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं तैयार हो पाऊँगी कि नहीं, एंड सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं बिकॉज यहाँ मेरे अलावा कोई भी ब्लॉग नहीं कर रहा। वी आर रेडी एंड द बारात इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। और हम इतनी जल्दी जल्दी में दौड़ दौड़ के आए, आधा समय हम ऊपर छोड़कर आ गए, बट बारात फर्स्ट क्योंकि हमें डांस करना है। बारात वरात सब हो गया है, रिसेप्शन चालू हो गया है एंड अब रिसेप्शन में तो सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ, मतलब दूल्हे दुल्हन के साथ फोटो ही खिंचवाते हैं। तो अभी हम वापस आ गए हैं यहाँ पे अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक करने बिकॉज हमारी एक भी अच्छी फोटो नहीं आ रही है। मेरे फोटोज अच्छे आ नहीं रहे और मेरी फोटोज अच्छे कोई खींच नहीं रहा। आई फील सो बिट्रेड राइट नाउ, बट मैंने वॉशरूम में जाके अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवा ली है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी थी। और ये हमें दुल्हन के साइड वालों ने दिया है एंट्रेंस पे, दिस इज़ वेरी नाइस, आई लाइक इट। हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि अब मंडप होगा, मंडप तो हो चुका है, शादी होगी 12 बजे के बाद, तभी हम जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चेकअप करेंगे और उसके बाद हम फेरे भी अटेंड करेंगे। सो लेट्स गो। कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुम बताओ? यहाँ इन लोग मंडप में नहीं जाने दे रहे हैं दूल्हे को और वो लोग लड़ रहे हैं और वो लोग लड़के वाले ये बोल रहे हैं कि हम पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, नहीं पैसे देंगे पर उन्हें और चाहिए, उन्हें पैसे सिर्फ जूता चुराने के टाइम पे देंगे, जूते के लिए, बाकी पैसे के लिए नहीं। एंट्री नहीं मिल रही मंडप में, इस लड़की मेरे जूते नहीं चुरा पाए हैं और लड़का बिना जूते के मंडप में आ गया है, तो वो मंडप में लड़की की एंट्री नहीं होने दे रहे हैं बिना जूते के। सो दिस इज़ अ वेरी अनफेयर गेम एंड आई थिंक लड़के वाले जीतने वाले क्योंकि हम लड़के वाले हैं। तो इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि रात के 2-3 बज गए थे एंड मैं सोने चली गई थी। उसके बाद मैं सुबह ही उठी जब हमें निकलना था। So this was it for the vlog. I hope you guys enjoyed the vlog. Do like, share, comment and subscribe to my channel.